गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हैविंग डन अबाउट पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द प्रीवियस वीडियो, टुडे वी विल डिस्कस एम्पैथिक प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. सो स्टूडेंट्स, थर्ड नंबर एम्पैथिक प्रोनाउन. तो इसका हिंदी है दृढ़तावाचक सर्वनाम. तो एम्पैथिक प्रोनाउन का क्या मतलब होता है तो देखते हैं. एन एम्पैथिक प्रोनाउन इज यूज्ड विथ ए नाउन और ए प्रोनाउन ओनली फॉर द सेक ऑफ एम्फसाइज. सो स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग केवल एंड केवल जोर देने के लिए किया जाता है, एम्फसाइज करने के लिए किया जाता है. सो उदाहरण में हम देखते हैं, ही हिमसेल्फ अंडरस्टूड इट. देखो, ही हिमसेल्फ अंडरस्टूड इट, वह खुद इसे समझ गया. तो यहाँ हिमसेल्फ ये एम्फेटिक प्रोनाउन है जो कि ही को जोर दिया जा रहा है. ओके, तो नेक्स्ट वन देखते हैं, आई माई सेल्फ लुक्ड इन टू द मैटर. I myself looked into the matter. So यहाँ भी myself जो कि है emphatic pronoun, जो I के ऊपर जोर दिया जा रहा है. मैं खुद इस मामला को देखा, इस तरह से. ओके, सो नेक्स्ट दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. इसका हिंदी है संकेतवाचक सर्वनाम. तो इसका मतलब होता है, द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट द नाउन्स. सो स्टूडेंट्स, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये किसी भी नाउन या संज्ञा को संकेत करता है, इंकित करता है. ओके, इसके चार प्रकार हैं, दिस, दैट, दिस, दोस. ओके, दिस सिंगुलर है जो कि पास के एक वस्तु के लिए की जाती है, और इसी का जो प्लूरल फॉर्म है वो है दिस, जो कि पास की बहुवचन वस्तु या संज्ञा के लिए की जाती है. और उसी तरह से दैट, दैट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि दूर की एक वचन वस्तु को दिखाने या दर्शाने के लिए किया जाता है. तो उसी तरह से इसका प्लूरल फॉर्म है दोस, जो कि दूर की बहुवचन वस्तुएं या संज्ञा को संकेत करने या दिखाने के लिए की जाती है. ओके, सब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ओके, प्रोनाउन और एडजेक्टिव में हम कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, इसमें डिफरेंस नहीं बता पाते हैं अगर कोई पूछ देता है तो. सो स्टूडेंट्स, देखो इसका डिफरेंस बहुत साफ है यहाँ पे. ओके, मैं यहाँ लिखा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब, और इधर लिखा हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन. तो जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तो प्रोनाउन अपने साथ वर्ब लेता है, तो इसके तुरंत बाद वर्ब आएगा तब वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाएगा. और जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है तब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नाउन लेता है, तो प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन आएगा. तो उस स्थिति में ये जो प्रोनाउन है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा. ओके, इज इट क्लियर? सो नाउ लेट अस सी नेक्स्ट फिफ्थ नंबर, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन.
इसका हिंदी है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सो स्टूडेंट्स यू नो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ऑलवेज यूज टू आस्क द क्वेश्चंस। ओके सो एग्जांपल्स हैं जैसे कि हु, हूज, होम, व्हाट, विच। ओके इसके बाद देखते हैं हु, होम, हूज। हु का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट के लिए करते हैं जो हिंदी में है कौन। होम का प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं या ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए करते हैं जिसका मतलब होता है किसे और किसके। और हूज का प्रयोग हम पॉजेसिव केस के लिए करते हैं जिसका मतलब होता है किसका। तो ये तीनों इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम व्यक्ति के लिए करते हैं। ओके सो अभी हम एक एक करके इन प्रोनाउन्स के बारे में देखते हैं। पहला है हु। हु का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए किया जाता है। ओके तो मैं यहाँ दो सेंटेंस लिखा हूँ उसको देखते हैं। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। तो फर्स्ट सेंटेंस में हम देख रहे हैं द चिल्ड्रन जो कि सब्जेक्ट है ना। और सेकेंड सेंटेंस में लिखा हूँ हु आर प्लेइंग फुटबॉल। हु आर प्लेइंग फुटबॉल तो हम हु का प्रयोग किसके लिए करते हैं से सब्जेक्ट का पता करने के लिए। ओके तो अगर हम यहाँ हु लगाते हैं हु आर प्लेइंग फुटबॉल तो हमें उसका आंसर आएगा द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फुटबॉल। ओके तो इस तरह से हम उसके सब्जेक्ट का पता लगाते हैं। फिर अगला है होम। होम का प्रयोग सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए करते हैं। ओके तो यहाँ मैं दो सेंटेंस लिखा हूँ फिर से। शी हैज़ इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स। शी हैज़ इन्वाइटेड हर फ्रेंड्स। ओके सो स्टूडेंट्स यहाँ मेरे लिखने में मिस्टेक हो गया है, होम होना चाहिए। ओके तो उसको होम समझिएगा। तो सेकंड सेंटेंस में देखते हैं होम हैज शी इन्वाइटेड। होम हैज शी इन्वाइटेड तो होम अगर हम क्वेश्चन करें तो उसका आंसर आएगा हर फ्रेंड्स। ओके तो हम इस तरह से सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हम पता लगा लिए। ओके तो नेक्स्ट देखते हैं हुज। हुज का प्रयोग मालिक या ओनर का पता लगाने में करते हैं जैसे कि दैट बस इज माइन। पहला सेंटेंस में लिखा हूँ दैट बस इज माइन और सेकेंड में लिखा हूँ हुज इज दैट बस। हुज इज दैट बस कहने से आंसर मिल रहा है वो है दैट बस इज माइन है ना। दैट बस इज माइन तो यहाँ ओनर का पता लग रहा है वो बस किसका है मेरा। तो मेरा जो कि यहाँ ओनर है। ओके फिर देखते हैं विच। विच का प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कर्ता और काम दोनों को पता लगाने के लिए करते हैं। मैं यहाँ सेंटेंस लिखा हूँ विच इज़ योर पेन। विच इज़ योर पेन तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में विच का इस्तेमाल किया गया है। ओके और सेकेंड सेंटेंस में देखते हैं विच ऑफ दिस पेन्स डू यू लाइक द मोस्ट। विच ऑफ दिस पेन्स डू यू लाइक द मोस्ट यहाँ पे विच का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है जो कि लाइक ये वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट विच है। ओके अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट। व्हाट का प्रयोग भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट
दोनों को पता लगाने के लिए करते हैं। तो सेंटेंस से देखते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ व्हाट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है, व्हाट इज़ योर नेम, ओके। और सेकंड सेंटेंस में व्हाट हैव यू फाउंड, व्हाट हैव यू फाउंड। तो यहाँ देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे व्हाट का इस्तेमाल कोई भी प्रोफेशन का पता लगाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि व्हाट इज़ योर फादर, ओके, व्हाट इज़ योर फादर। तो यहाँ व्हाट जो लिखा गया है इसे किसी भी प्रोफेशन, नौकरी या पेशा के बारे में पूछा जा रहा है, ओके। व्हाट इज़ ही, तो यहाँ भी उसी तरह से है कि वह क्या करते हैं, ओके। एंड अब इसमें हम आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्या अंतर होता है, और ये कैसे इस्तेमाल सेंटेंस में होते हैं, और हम इसको कैसे मतलब पहचान सकते हैं, ओके। तो मैं यहाँ लिखा हूँ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्लस नाउन। तो जब इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होता है तो वहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद नाउन आता है, ओके। ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके जस्ट बाद नाउन आया है, तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। तो हम इसको एडजेक्टिव मानेंगे या कहेंगे, ओके, ये विच को हम एडजेक्टिव कहेंगे। और सेकंड सेंटेंस में देखते हैं विच इज़ योर बोल, विच इज़ योर बोल। तो यहाँ देख रहे हो विच के बाद में इज है, इज एक वर्ब है, ओके। तो यहाँ हम कहेंगे इसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ओके। जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में वर्ब आता है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है, और जब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद कोई नाउन आता है तो वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, ओके स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो नेक्स्ट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Thank you.